नगर पालिका निगम भिलाई द्वारा गर्मी के मौसम में अपने क्षेत्र के सूखे तालाबों को तांदुला जलाशय से छुड़े हुए जल से भरा जाता है, जिससे क्षेत्र का जल स्तर बना रहे। इस वर्ष निगम क्षेत्र के तालाबों की साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं हुई है और ऐसे ही गंदे तालाबों में पुनः पानी भरने का कार्य शुरू कर दिया गया है। यह दृश्य है नगर पालिका निगम भिलाई के वार्ड 22 कुरुद बस्ती में स्थापित नकटा तालाब का। वार्ड पार्षद द्वारा जनवरी माह से ही निगम प्रशासन को अवगत कराया गया था कि गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और बद से बदतर की स्थिति में पहुंच चुके इस नकटा तालाब को साफ करना अति आवश्यक है और साफ करने के बाद ही इसमें पानी भरा जाएगा तो यह लोगों के काम आ पाएगा। परंतु निगम प्रशासन की उदासीनता की वजह से इस तालाब में एक बार फिर गंदगी का आलम बना हुआ है और इसी गंदे तालाब में पानी भरना शुरू कर दिया गया है, जिससे वार्ड पार्षद खुद को निगम प्रशासन द्वारा उपेक्षित करने का आरोप लगा रहे हैं। वार्ड पार्षद के पति ने जानकारी दी है कि उनके लाख कोशिशों और आवेदन के बाद भी निगम प्रशासन के कानों पर जू नहीं रेंग रही है और जिसका खामियाजा कुरुद बस्ती के रहवासियों को भुगतना पड़ रहा है। ये तो सफाई बिल्कुल ही असंभव है भैया, और इसके लिए बार बार और जनवरी से, क्योंकि पता है कि यहाँ पे जैसे ही अप्रैल या मई का महीना आता है बारिश चालू हो जाता है, उससे कारण हमने जनवरी से आवेदन आयुक्त महोदय का दिया गया था कि इसकी सर ये दो ढोर तालाब और नकटा तालाब वर्तमान में इतनी गंदगी है और वो जो ये निस्तारी की तालाब है जिसमें सफाई अति आवश्यक है। कुछ भी कार्यक्रम है जैसे दत्तात्र से लेके और भी कुछ भी, जैसे अभी जो सीजन में शादी का सीजन रहता है तो मेहमान आते हैं, वो सबका आस्था रहता है तालाब में नहाने का, लेकिन आज स्थिति इतनी ख़राब है। जितना हमारा जो गांव कुरुद है, जो नगर निगम में क्या गया, पूरे गटर में चला गया है, पूरा वार्ड जो है गटर की तरह नज़र आता है, जहाँ देखो गंदगी नज़र आता है। तो बस यहाँ पे के लोगों को क्या मस्त ये कर रहे हैं कि यहाँ टैक्स बस लिया जा रहा है, यहाँ बाकी कोई जो सुविधाएं जो मिलना चाहिए वो प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। और आज स्थिति देखिए, इतनी गंदी तालाब में फिर से पानी भरा जा रहा है, ये कोई उचित है क्या? ये उचित नहीं है ना, यहाँ जनमानस को पूरी असुविधा में और डाला जा रहा है, जबकि गंदगी में लोग गंदगी में नहाएंगे क्या, बताइए? पता नहीं, अब यहाँ तक तो विधायक जी ने भी बोला है कि यहाँ पे जितने वैशाली नगर मेरे आने के बाद से पूरे तालाब 36 तालाबें हैं, 36 तालाबों को सफाई किया जाएगा, अच्छे से सौंदर्यकरण किया जाएगा, लेकिन वो सौंदर्यकरण तो बात की बात है, अभी फिलहाल निस्तारी के लिए इस तालाबों की सफाई होना चाहिए, वो चीज़ पे नहीं ध्यान दिया जा रहा है। और आयुक्त महोदय को भी दिया गया है कि इसका तालाब की सफाई करो, अभी बीच में 4 दिन पहले फिर उनके संज्ञान में डाला गया है, उसके बावजूद भी आज नहर का पानी उसमें डाल दिया गया है। ये मतलब ये हमारी बातों का अवहेलना किया जा रहा है और ये लगता ये है कि वाकई हम ये नहीं, हम तो जनमानस जनहित के लिए हम यहाँ पे पार्षद, मेरी मैडम जो है पार्षद हैं और उनका मैं पार्षद प्रतिनिधि हूँ और मेरा प्रॉपर वार्ड के विकास के लिए मैं निरंतर हम लोग लड़ते रहते हैं, लेकिन हमको ये निर्दलीय पार्षद है करके अपेक्षित किया जा रहा है, ऐसा हमें महसूस हो रहा है। वार्ड 22 के पार्षद पति नकटा तालाब में पानी भरता देख जोन 2 की कमिश्नर को फ़ोन लगाया, परंतु उनके द्वारा दिए गए आवेदनों के प्राप्त ना होने की जानकारी देते हुए उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया और इस वजह से इस वर्ष भी कुरुद बस्ती के लोगों को इसी गंदे तालाब के पानी का उपयोग निस्तारी एवं अन्य कार्यों के करने के लिए विवश होना पड़ेगा। ACN न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।